Question says a source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of unknown frequency 250 Hz. Second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 Hz. हमारा सवाल है unknown frequency क्या है? ऑप्शन है 240, 260, 254 या फिर 246. अगेन सिंपल सवाल है. अपने को यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये आपका अननोन सोर्स है, ये आपका अननोन सोर्स है. इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये आपका अननोन सोर्स है. लेट्स कॉल इट ए. इसको जब हम साउंड करते हैं आपकी 250 हर्ट्ज़ के साथ और 250 हर्ट्ज़ की दूसरी फॉर के इसके साथ जब आपने इसको साउंड किया तो इन दोनों के बीच में हमें मिली 4 बीट्स. इसका मतलब है ए की वैल्यू या तो आपकी हो गई 4 बीट्स अगर आए तो यह हो गया 246 या फिर इसकी वैल्यू हो गई 254. इन दोनों में से कोई एक होगा तभी आपकी 4 बीट्स यहाँ पे पॉसिबल है. नाउ हमें कहा जा रहा है सेकंड हार्मोनिक ऑफ दिस सोर्स. इसके सेकंड हार्मोनिक का मतलब ये है कि डबल द फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आप 246 को डबल करेंगे तो ये 246 को डबल करके आएगा अपना 492 और इसको जब हम डबल करेंगे सो ये आएगा 805 508. इन दोनों को जब हमने साउंड किया एक और सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 513 हर्ट्ज़ तो आपको डिफरेंस यानी कि बीट सुनाई दिया 5 का. सो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो जिसका भी 5 है वो आपका फाइनल आंसर होएगा. इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफकोर्स 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 नहीं है. सो विच मीन्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया एंड हेंस वी कैन से ऑप्शन नंबर सी 254 वुड बी द राइट आंसर.